आरबीएनएल इरकॉन। ठीक है, लेवल्स बताइए, कब आरबीएनएल किस भाव पे खरीदा आपने, इरकॉन किस भाव? 296 आरबीएनएल है सर, ठीक है, और 252 इरकॉन। 252। इसके अलावा कोई शेयर है आपके पास? जी सर, इसके अलावा आयरेडा है, तो आयरेडा जब से लिए है तो डिप डिप ही जा रहा है। ठीक है, किस भाव पे लिया था इरेडा आपने? आयरेडा 169। ठीक है, चलिए, आपके तीनों स्टॉक पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। जी सर, हम जी लंबी अवधि का ही है, छह ठीक है, महीना तो ठीक रोक ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, ठीक है देवस जी, बिल्कुल आपकी तमाम स्टॉक्स पे जो सवाल हैं उनकी समस्याओं का, उनकी शंकाओं का समाधान हम करेंगे। आस्था जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आरवीएनएल इन्होंने 296 के भाव पे लिया हुआ है, इरकॉन 252 के भाव पे लिया है, इरेडा का शेयर 169 के भाव पे लिया है। इन तीनों स्टॉक्स पे जरा विस्तृत नजरिया दीजिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले आरबीएनएल की बात करें तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। आरबीएनएल के नतीजे जो आए थे वो तो इतने खास नहीं थे, लेकिन इसका जो खास आकर्षण है वो इसके ऑर्डर बुक है, जो कि तकरीबन 665 बिलियन के आसपास है। अब इस तरह की जब ऑर्डर बुक होती है तो उससे हम ये देखते हैं कि वो रेवेन्यू के कितना गुना ज्यादा है, तो वो 3 टाइम्स ऑफ FY23 के रेवेन्यू है, इसके ज्यादा है। तो यानी कि रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर रेवेन्यू यहाँ पे इतने उतर करते रहेंगे तो वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को में मजबूती दिखाते रहेंगे और ईपीएस में बढ़ोतरी करते रहेंगे। तो उस वजह से मेरा ये मानना है कि अभी तो ये होल्ड करें, 241 के आसपास ये चल रहा है। मेरे हिसाब से इसमें 280 से लेके 290 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं।